आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी, मैं हूं आपके साथ में गजेंद्र बर्जर। आज हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं देश दुनिया की तमाम ग्राम पंचायत वर्गी सराय के अंतर्गत आने वाला प्राथमिक विद्यालय, जिस पर शिक्षक 11:30 बजे के बाद पहुंचना होता है। बच्चों के माता पिता ने यह भी बताया कि हफ्ते में 5 दिन स्कूल खोला जाता है और बाकी दिन स्कूल में ताला लगा रहता है। यह भी बताया कि बच्चों को स्कूल में खाना नहीं दिया जाता है, बच्चों को स्लेट बत्ती नहीं दिए जाते हैं, यूनिफॉर्म नहीं दिए जाते हैं। यह भी बताया गया कि स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं कराई जाती है, सिर्फ शिक्षक आते हैं और स्कूल में अपना समय पास कर 3 बजे निकल जाते हैं। बताया कि प्राथमिक विद्यालय के प्रभारी केशव सिंह गुर्जर के द्वारा स्कूल में कोई पढ़ाई न होने के कारण ग्राम के लोगों ने अपने बच्चों को खेरी प्राइवेट स्कूल में डाल दिया गया, जबकि शासकीय विद्यालय में व्यवस्था न होने के कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बच्चों ने बताया कि 3-4 दिन में 1 दिन पढ़ने जाते हैं। शिक्षकों द्वारा बच्चों को पढ़ाना चाहिए, अगर ऐसा है तो शिक्षा विभाग को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, जबकि आदिवासी इलाकों में गवर्नमेंट के द्वारा पढ़ाई करानी चाहिए, जबकि आदिवासी क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा के द्वारा पढ़ाया नहीं जाता है, इस पर शिक्षा विभाग की भारी लापरवाही देखने को मिली। पालकों का कहना है कि हमारे बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, शिक्षकों को इस स्कूल से हटाकर दूसरे शिक्षकों को लाया जाए। ग्रामवासी पूजा बाई, उषा बाई, किरण बाई, राजकुमारी बबलू आदिवासी ऑडियो ने बताया। 12:45 हो रहे हैं, 12:45 बजे तक तो कोई आव नहीं है वहाँ में, ताकि पहले बच्चा गए थे, अभी स्कूल स्कूल से ही अभी लौट के आए हो तुम। अच्छा, स्कूल नहीं खुला हो? देखते रहिए भारत न्यूज टीवी, गजेंद्र गुर्जर के साथ नमस्कार।